राहुल गांधी की सादगी ने जीत लिया पूरे हिंदुस्तानियों का दिल, फिर जो हुआ उड़ गए सभी के होश। जी हां, आपको ये चली कि वायनाड से कांग्रेस सांसद व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कर्नाटक दौरे पर है और लगातार राहुल गांधी गरीबों से मिलते हुए नजर आ रहे। इसी बीच राहुल गांधी का एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फोटो में आप देख सकते हैं कि एक 95 साल की बूढ़ी अम्मा राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रही है, जिस पर अब यूजर्स भी तरह तरह के प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे। दरअसल आपको बताया चले कि यह लम्हा ठीक उसी तरह से जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गरीब और अन्य लोगों से मिलते हुए नजर आते थे। इसी बीच एक बार फिर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की याद दिला दी है, जहां पर 95 साल की एक बुजुर्ग अम्मा राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए नजर आते, वहीं राहुल गांधी भी उनसे हाथ बढ़ाकर उनका हालचाल जानते हुए नजर आते। इसके अलावा राहुल गांधी से कई स्कूली छात्रा भी मिली है, जिन्हें राहुल गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले स्कूटर भी दिया है। वहीं दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहां पर राहुल गांधी छात्राओं को स्कूटर की चाबियां वितरण करते हुए नजर आ रहे, जिस पर छात्र काफी ज्यादा खुश नजर आते। राहुल गांधी ने कहा, हमने जो वादा किया वो निभाया और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दोगुनी रफ्तार से कर्नाटक में विकास करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर पहुंचे और उनका एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो गया है, जिसके बाद यूजर्स भी तरह तरह के प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट। कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉरपोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब की रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है। सबसे भ्रष्ट सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटका की सरकार है।